लड़के की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस अब इस पूरे मामले पे शिवराज सरकार को घेर रही है। क्या सच्चाई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सर, ये वीडियो वायरल होता है, बड़ा बवाल होता है इंदौर में और फिर कुछ कार्रवाइयाँ होती है, ये पूरा मामला क्या निकल के अब तक सामने आया है? चूड़ी बेचने का काम वो व्यक्ति अपनी नाम छुपाकर, जाति छुपाकर, वल्दियत छुपाकर, धर्म छुपाकर कर रहा था। जो प्रशासन ने मुझे जानकारी दी वो यही है कि जब राखी के त्यौहार पे हमारे यहाँ पर बहू बेटियों को नई चूड़ियाँ पहनने की परंपरा है, मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, तो उसी दरमियान बेटी को चूड़ी पहनाते, हाथ पकड़ते समय कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वहां से वो नाम तलाशा गया। जब गहराई में गए, आधार कार्ड देखे तो आधार कार्ड भी दो निकले, ऐसा बताते हैं कि वो भी अलग चीज का था। और ये बातचीत तलखी में बदलती गई और मारपीट हुई। कार्बन ने अपना काम किया, कार्रवाई दोनों पक्षों पे हुई। दोनों पक्ष मतलब जो पिटा उसकी उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई? दोनों पे अलग अलग प्रकार की कार्रवाई थी ना। जब वो लोग आए, उनने अशांति फैलाने की कोशिश की तो उन पे, इनने की तो इन पे। लेकिन सर, ये इस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि ये तो भगवा तालिबान है, कांग्रेस प्रवक्ता जी, आप कांग्रेस की कुछ सुनता कौन है? कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्यों सुन लेते हो। लेकिन जिस तरीके से सर लड़के पे कार्रवाई, जो पिटा है उस पे कार्रवाई, जो पीड़ित है, पिटा और पीटने की बात नहीं है, वो गलत कर रहा था भाई। आप अगर जाति छुपाओगे, मैं अगर जाति छुपाऊंगा, वो गलत है। आधार कार्ड दो दो मिलेंगे, गलत है। जो गलत है उस पर तो कार्रवाई कहो ना, आप उसको सांप्रदायिक रंग क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? जिन्होंने पीटा वो कह रहे हैं कि हिंदू इलाके में मत आना। अरे भाई, ये अलग विषय है ना, आप क्यों जा रहे हो बल्दी छुपा के? जो हो वो जाओ, कौन रोक रहा है? पूरे देश में सब आराम से घूम रहे हैं। एक सवाल हो रहे हैं उज्जैन की घटना को लेकर, अब ये सवाल उठ रहा है कि दरअसल वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे, काजी साहब जिंदाबाद कहा जा रहा था। ये कांग्रेस ही होगा कोई ना कोई। अब काजी साहब का और पाकिस्तान का क्या, तो के कोई शब्द मिल रहे हैं इनके, हलंत बिंदी मात्रा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी को सुनाई दिया वो काजी साहब जिंदाबाद। विश्व में कहीं काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगते हैं? देश में कहीं लगते हैं? प्रदेश में कहीं लगते हैं? नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह को सुनाई दिया, कार्रवाई हुई। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ जो दिग्विजय सिंह जी करते हैं, उसी का परिणाम भोपाल में मिला था उनको। अच्छा नहीं है ये। मैं तो कह रहा हूँ कि वो खुद चले जाए ना इनको लेके, पाकिस्तान छोड़े जाए, जिंदाबाद हो जाएगी उनकी पूरी, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जो सहयोग मेरे से होगा मैं भी व्यक्तिगत करूंगा। बात करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने इंदौर की इस घटना पर आज तक से खास बातचीत की है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।